अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हाँ जी, ऐनक लग गई है, थोड़े से अन्य हो गए हैं। अभी हम ब्लाइंड ज़रा मिशन पे निकले हुए हैं, उससे मुराद ये है कि हम एक हाई रूफ वैन पसंद करने जा रहे हैं, फाइनल करने आसिम भाई के लिए, और इस तक वो भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बड़े सोफिस्टिकेटेड लग रहे हो आप। हाँ तो ऐनक पहन के क्या बात, आज हम फिर मेट्रो ट्रेन से सफर कर रहे हैं और पैदल जा रहे हैं। मेट्रो ट्रेन से कि बस से? आज हम बस में जा रहे हैं क्योंकि हमने उधर जाना, बस वो मुस्लिम टाउन से। आपका फोन है? मैं हाँ, तला भाई भी पहुंच गए हैं। पूछो कहाँ है? मैं आपसे कर नाजरीन, किसी की सिम खराब हो गई है, दिल को ताले लग गए हैं। आसिम भाई को कहा हुआ आपकी सिम को उड़ते साथ ही खराब हो गई, बस हर चीज ही जो है ना। अब नई सिम निकलवाने जा रहे हैं करीब तरीन जैस की फ्रेंचाइज पे, देखते हैं। तो कोस्टरी है, अल्लाह करे मसला हल हो जाए। हाई रूफ और हाई, और हाई रूफ भी करीब नहीं है, यही बहुत दूर है। यही मामला जो है ना हमारा हल नहीं हो रहा, देखी जा रहे हैं कुछ जाके और घूम करी जा रहे हैं, कोई पसंद नहीं आ रही है, रेट नहीं बन रहा, फजूल का हो, खज्जल हो गए। तो क्या तुम्हारे ऊपर से आ रहा है? देखे कैसे बोल रहा है, अभी इसकी मंगनी नहीं हुई, ये हाल है, शादी के बाद बदल जाना है। इतना शर्माता है वो, गार्ड ने, गार्ड आ गया तो मोबाइल बंद कर दिए, ठंडा मुंह पे लग गया था तो मेरे लगा। हाँ बंद करके लगा, अब बात करनी है क्या? मैं बंद करूँ, ये लो ये तमीज है जी। नाजरीन चिंची में नाश्ता भी नहीं किया भाई ने, नाश्ता मैंने किया, इन्होंने नहीं किया नाश्ता, टेबल में छोड़ के आया चाय के साथ। चाय नहीं चल रहा सिर्फ इस चक्कर में कि हम ये वाला काम करा रहे, लेकिन मेरी सिम भी नहीं चल रही, ऊपर से बाल भी खराब हो रहे हैं। मैं बहुत इस वक्त तबादार हूँ, गुस्से में रिक्शा चल पड़ा है ना सर, आगे चल के आप कुछ करते हैं। अज नंबर लिखने हैं, नंबर आए तो फिर इन रूट से छड़िए किसी पास। नाजरीन मेट्रो बस का सफर होने लगा है, देखें हम कैसा होता है। और सिम भाई कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आज? बहुत बुरा हाल हो गया। हाँ अब ठीक हो? गर्मी है। नाजरीन बस का सफ़र किया, अब हमने पहली दफ़ा, अब हम जाने लगे हैं ट्रेन के लिए। अभी हम मेट्रो मेट्रो खेल रहे हैं, पहले मेट्रो बस थी, अब मेट्रो ट्रेन है, हम ट्रेन में बैठ रहे हैं। हम इस वक्त बस से उतरे हैं, वो कौन सा चल रही है? अच्छा वो यूँ है, अभी हम उतरे हैं सेक्रेटेरिएट स्टॉप पे, यहाँ से हम जाएंगे चुबुर्जी तक, और फिर चुबुर्जी से हम लेंगे मेट्रो ट्रेन, और फिर हम अब ठोकर की तरफ जाएंगे। बहुत ठंडा है, ऊपर से भाई साहब ने कुछ पहना नहीं है, और नहाए भी हैं और नाश्ता भी नहीं किया हुआ, चाय के साथ छोड़ आए हैं। अच्छा जी, पानी भी नहीं पिया हुआ, अल्लाह खैर करे। नाज़रीन उतरते साथ ही खुशबुओं के भपके पेशाब के, इस वक्त हम साथ साथ चल रहे हैं। मेरे दिन वाकई भारी है, सिम भी खराब हो जाती है, कुछ हो जाता है, इसलिए मैं साथ हूँ, मैं बीमार हो जाऊँगा। और अभी प्लान चेंज हुआ है, हम सेक्रेटेरिएट पे कुजी अलीम खाने लगे हैं, क्योंकि भाई ने नाश्ता नहीं किया हुआ,
तो इनके पानी में भी खा लूँगा थोड़ा सा, तो भी जाके आपको दिखाते हैं। नाजरीन हम आ गए हैं, हाथ धो रहे हैं इतना सफ़र करने के बाद। हम भी हाथ धो लें। नाजरीन फिर से एक बार हम कूजी हलीम पे, अच्छा वो आपके व्लॉग पे था। अब इंतजार हो रहा है नाश्ते का आसिम भाई के, और से पहनावा भी कुछ नहीं है। हाँ एंगल ही गलत था फ्रंट पे जब उसने बुलाया ना, खाते भी हो रहा था कि बीमार हो। आए नाजरीन आप भी खा लें आके हमारे साथ। यार अभी दो ही रखना ठंडे हो जाएंगे। आहो शक्लें देखें आप, आहो हा क्या बात है क्या बात है यार। दो ठंडी स्प्राइट लाना। हाँ चिकन ही खाते हैं आसिम भाई, अपने लवाजमात डाल रहे हैं। मसाला भी है नाजरीन, यह देखिए इसमें मसाला भरा हुआ है। यह देखिए जी ये हो गए ना, कमाल की चीज़ हो गई। एक चीज़ रह गई। हाँ क्या रह गया? लीमू रह गया, अदरक मैं नहीं डालता, वो गुलाब में डालेंगे। हाँ इसको मिक्स करके, मिक्स करके। हाँ चलो हरी मिर्चें। लो जी स्प्राइट भी आ गई है नाजरीन। अब हम होने लगे मसरूफ, गर्मा गर्म और हैवी किस्म की बाइक हैवी साहब दीवाना लेने लगे। एक और हरी मिर्चों के साथ तो आई बड़े मरे क्रीम खा लिया है हमने। बस भाई का थोड़ा सा रह गया, स्वाद आ गया। मैंने तो ऐसी अदरक खाई है, उसकी हल्की हल्की मिर्चें लग रही है मुझे, झलक सी होती है, तेजी होती है अदरक की। देखिए मुझे वैसे कच्ची अदरक बहुत पसंद है और आसिम भाई को बिल्कुल पसंद नहीं। नाजरीन कूजी हलीम खा ली है, अब हम जा रहे हैं ट्रेन के स्टॉप की तरफ। हाँ मशहूर लसानी। नाजरीन हम इस वक्त जैन मंदिर के मेट्रो ट्रेन के स्टॉप की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से होते हुए इस सड़क का कुछ नहीं हो सकता, तोड़ के बैठ गए हैं, मनाब नू कोई नहीं रहे ना। जैन मंदिर नाजरीन जैन मंदिर को इसलिए जैन मंदिर कहा जाता है, ये मशहूर जैन मंदिर देखो। हाँ ये है इंडिया वालों अगर आप देख रहे हो, ये है जैन मंदिर। हाँ। जो अभी तक पाकिस्तान की हुकूमत ने इसको बकायदा
प्रोटेक्ट करके इसको देखें, इसकी मेंटेनेंस करके इसको आबाद करके देखें, अलग रखा, वरना यहाँ से हर चीज, हर बिल्डिंग गिरा दी गई थी, सिर्फ जैन मंदिर को प्रिजर्व किया गया और रखा गया, और ये दीवार और ये पूरा इसका डिजाइन बनाया गया, और ये जैन मंदिर ये है, और इसको दिखाने के चक्कर में भी फिलहाल भाई है नीचे, मुझे चोट आ गई है दो दफा ना ना कहते, इसके साथ मेरी टांग इस वक्त छिल गई है नाजरीन, और मेरे से चला नहीं जा रहा, इसलिए कहते हैं कि, और ये जी स्टॉप है जैन मंदिर का मेट्रो ट्रेन का, ये कहते हैं कि जब आप चले तो अपना सर ऊपर रखें लेकिन नजरें नीचे रखें। ये जी नाजरीन, यहाँ से हमने एंटर होना ट्रेन में, नेक्स्ट ट्रेन 10 मिनट, ये ट्रेन 2 मिनट दूर आ रही है, वो 2 मिनट देखा, 2 मिनट मेरी टांग देखी है, बचत हो गई है, ज़्यादा नहीं छिली, बस हल्की हल्की जलन सी हो रही है, बचत हो गई, मेरी शुभकामनाएं और इजहारे यकजहती आपकी मिलकर को, हाँ जी, कंडोलेंसेस, नहीं क्या कहते, कंडोलेंसेस, हाँ वही है, कंडोलेंसेस। ये दूसरी साइड की है ना, उनकी हमारी इधर से आई नाजरीन, ये ऑपोजिट डायरेक्शन की है हमारी, अभी इस ट्रैक पे आनी है, ये आ गई, रश थोड़ा ही है, नाजरीन तला भाई का वेट कर रहे हैं, तला भाई हमारा वेट कर रहे हैं, और आए भाई को हमने स्टेशन पे बुला लिया, अभी उसको फोन करूंगा वो आ जाएगा हमें लेने अली स्टेशन से, हां सो गाइस हम मेट्रो में बैठ चुके हैं एक बार फिर से, आवाज आ रही है आपको, क्या कह रहे थे अभी, क्या करना है तुमने, दरवाजा खुलेगा क्या, भाग बाहर भाग के जाओगे फिर वापस आओगे, मैं तो कुछ क्या नहीं भाई, मैं तो कुछ नहीं, चल नाजरीन, अगर आप मुझे देख सकते हैं हल्की सी रोशनी में, नासिम भाई से सुखड़े पड़े हैं थक करके, अभी मैं आसिम के मुंह में बचाऊँ जाके, और उसको मेरी यार बड़ी जोर की लग गई भाई, यही बचा था, हाँ सब कुछ हो गया, एक आने की लग रही थी मुझे, वो भी लग गई। नाजरीन अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे अपने आप व्लॉग खत्म करना पड़ेगा, आग रोके मजबूरी करना पड़ेगा, नाजरीन घर जाके अल्लाह हाफिज़ कर, तो जो हम चिंची में कैसे कर रहा हूँ, नाजरीन मतलब ये आपका मतलब है, हम घर बस पहुँचने वाले हैं, यासिफ भाई से पड़े हुए पहले जान में पहुँच चुका, तो नाजरीन ब्लॉग इख्तिताम पे पहुँचता है, अपना ध्यान रखिएगा बहुत सारा, अल्लाह हाफिज़। ये आपका वैसे पतला है ये होटल।
बिलाल का चक्कर, और आपका जो मैं आपसे